यहाँ पर आता है शाम को मजा आओ गाड़ी आ जाएगी तब हम सब पूरी फैमिली अक्षरधाम आएंगे। सारी चीज ओरिजिनल है तो मैं अपना रिजल्ट जल्दी ही आपको दिखाऊंगी, तो पहले मैं बातें कर लेती हूँ। लाइट्स कैमरा एक्शन। वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ आपको पूरा ब्लॉग देख पता लगेगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है, सबकी बेनिफिशियल के लिए है। तो चलते हैं बिना देखे हुए। लड्डू को मम्मी के पास छोड़ूंगी, वहीं से जाएंगे क्योंकि लड्डू का कोई काम नहीं वहाँ पे, और कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता। ठीक है, ये दोनों पापा बेटा खड़े हैं अपनी कैब की बाट में, कब नई गाड़ी आएगी, कब हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। आ गया आगे आगे अपनी गाड़ी आ गई। चलो गाइस चेंज, और ये लुक है मेरी। तो हमें जाना है नोएडा, बहुत दूर, मतलब एक डेढ़ घंटा लग जाएगा आशीष मिल जाने में, डेढ़ घंटा लग जाएगा जाने में। तो अभी निकलेंगे तभी पहुंचेंगे टाइम पे। और क्यों जा रही हूँ, तो वहाँ पे है एक क्लिनिक जो मुझे लेज़र ट्रीटमेंट करानी है, वहाँ पे लेके जाऊँगी मैं आज आपको। अगर बाई चांस वहाँ जैसे कोई आजू बाजू है या वहाँ के सब्सक्राइबर्स हैं तो उनके लिए भी हो सकता है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं वहाँ पहुँच के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो पूरा ब्लॉग देखना, स्किप मत करना। कितनी भीड़ दिख रही है यहाँ से, आज संडे है ना, किसी दिन फैमिली ने लेके आऊंगे साथ में पूरी फैमिली अक्षरधाम। यहाँ पर आता है शाम को मजा आओ, गाड़ी आ जाएगी तब हम सब पूरी फैमिली अक्षरधाम आएंगे, और खाटू को भी जाएंगे फिर अपनी गाड़ी में, फिर सारी जगह जाया करेंगे। तो तुषार की गल्ला जा, हम खाटू पे, फिर तुषार मारी गल्ला जाया करेगा, है ना। नई गाड़ी आने के बाद ले बिठाओगी नहीं है, खुद तो बैठ लिया हमारी गाड़ी में। और दो गाड़ी हुए नहीं, नहीं नहीं बिठाएंगे। अरे मतलब वो हमारी फैमिली में तभी तक कोई और जा सके है फिर बंदा, मतलब नूमी का मतलब ये हो गए चंगा होने गाड़ी में। अरे यार ईव का हम जा है एक गाड़ी में एडजस्ट हो जा है, फिर किसी और का भी जी करे तो कम से कम दो गाड़ी भी तले चल है, एक हमारी होता है। हाँ ये बात भी है। अरे तो बताओ कहाँ जाना, नोएडा जा रहे हैं क्या, मयूर विहार जा रहे हैं? नोएडा 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 गाइस पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे, बाकी अंदर जाके दिखाते हैं कहाँ आए हैं क्या। तो गाइस जिस चीज़ के लिए सुबह से निकले हुए हैं कि हमें जाना है नोएडा, तो मैं आई थी डॉक्टर शेफाली के पास क्योंकि मुझे अपना लेज़र ट्रीटमेंट कराना था, और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है स्किन हेयर, और आप अपना एक पैम्फलेट दिखा मुझे तो वो दिखाती हूँ। और ये है डॉक्टर शेफाली का क्लिनिक, बहुत अच्छा सा अभी न्यू ही ओपन किया है इन्होंने, तो प्लीज़ विजिट और सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। ये देखो क्या क्या सर्विस है यहाँ पे, रिलेटेड टू डेंटल स्किन हेयर ट्रीटमेंट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, और ये मेडिकल सारी बीबी ग्लो हाइड्रा फेशियल सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। जो नियर बाय सब्सक्राइबर्स है और जो दूर से भी है तो जल्दी आओ और अपना ट्रीटमेंट लो, आपको रिजल्ट्स पक्का मिलने वाले हैं। सारी चीज़ ओरिजिनल है तो मैं अपना रिजल्ट जल्दी ही आपको दिखाऊंगी, तो पहले मैं बातें कर लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। दर्द हो रहा है दीक्षु, मैनेज करता है।
बर्फ जैसा तो गाइज मेरी फर्स्ट सिटिंग हो चुकी है लेजर ट्रीटमेंट की. आज मैंने आर्म्स मतलब फुल आर्म्स करवाई है, अंडर आर्म्स एंड हैंड्स. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब हल्की सी गुदगुदी वगैरह होती कैसे पिंच था, लेकिन जैसे ही जेल वगैरह या कोल्ड चीज़ वो आ रही थी लेज़र के साथ, उससे रिलैक्सिंग हो रहा था. और डॉक्टर बता रही है कि अगर आप फेस का कराते हो तो और भी अच्छा फील होगा आपको, ठंडा ठंडा. मैं तो अगली बार फेस का कराने वाली हूँ. इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं डॉक्टर ने कि कन्फ्यूजन हो जाएगी कि क्या करवाना चाहिए. तो जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा वो डॉक्टर रिकमेंड करेंगी. तो जल्दी से आओ और अपने करवा चौथ से पहले अपना फेशियल कराओ मस्त सा, और चमको करवा चौथ वाले दिन मस्त. तो अभी मेरा ट्रीटमेंट हो गया आज की सिटिंग, तो अभी हम निकलेंगे घर के लिए. ठीक है, तो रास्ते में मिलते हैं. तो गाइस ट्रीटमेंट के बाद जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो डॉक्टर ने मुझे दे दी है. बॉडी वॉश और सनस्क्रीन ये तो ज़रूरी ही यूज़ करनी है. डॉक्टर ने बोला आपकी थोड़ी हेयर मतलब हाथों की स्किन थोड़ी खराब हो चुकी है. हाँ, क्योंकि सबको पता है, मतलब सबको तो नहीं, मेरे घर वालों को पता है कि मेरी स्किन कैसी है. और आज डॉक्टर ने भी देख ली तो ये सारी दोनों चीज़ें प्रिस्क्राइब की हैं. तो मैं ये चीज़ें दोनों यूज़ करने वाली हूँ और रिजल्ट भी ज़रूर शेयर करूँगी. तो थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. थैंक यू. और मैं आती रहूँगी आपके पास, मिलती रहूँगी आपसे ऐसे, क्योंकि मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पसंद आया. सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक अच्छा था. थैंक यू. तो चलते हैं अब, डॉक्टर को कहती हूँ बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. ठीक है, सी यू सून, बाय बाय, बाय बाय. तो गाइज यहाँ से निकल लिए हैं नोएडा से, और जाने में लगेगा थोड़ा टाइम, एक डेढ़ घंटा तो लगेगा ही, क्योंकि आने में भी इतना टाइम लग गया था. क्या क्यों हंसो आप? अरे वो कुछ ना, हूँ हंसो ना बताओ. अब बता डॉक्टर, अरे डॉक्टर ही वो थी, उनका डॉक्टर की स्किन कितनी वो थी ना, ग्लो कर रही थी स्किन. वो तो सबको व्लॉग में दिखे जाएगा कि डॉक्टर की स्किन कितनी ग्लो कर रही थी, और थोड़े दिनों में मेरी भी स्किन ऐसी हो जाएगी. और भाई तुमने भी करानी हो तो तुम्हारी भी ग्लो कर सकती है. भाई स्किन स्किन पे डिपेंड है अपना, जैसे मस्त मस्त ट्रीटमेंट आ रखे हैं. तो जल्दी से पहुंचो, लेकिन हम पहले पहुंचते हैं घर पे. लड्डू भी है घर पे, आज संडे का, संडे का पूरा दिन ऐसे ही गया है ना, ट्रेवल करते करते अपनी स्किन ग्लो करते करते. तो पहुंचते हैं घर पे. शोनी लड्डू, हाँ कहाँ पे है? है यही है. चलो चलो चीजें लेके आई आपके लिए, चलो चलो चलो. भाग्या है शोनी परी. हाँ चलो 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 अंदर चलो, आओ चलो गाइस, बाय बाय. लड्डू ने ले रहा था, लड्डू बाय. मम्मी यहीं पे, आप जाओ पापा के साथ. तुम दोनों रुक जाओ ना, देखो वो पहले आगे चल दिया. तुम जा, मैं सुबह आ जाऊंगा. नहीं मैं भी चलूंगी, मैं भी साथ में जाऊंगी. तो तुम दोनों रुक जाओ ना, तने पता है ना नहीं रुकेगा तेरा जीजा भाई. क्या तू रोगा जी? चलो चल, सो गया, उठा दिया ना अपनी, और सो था अच्छा भला. ठीक है चलो, कल मिलेंगे नानी से. तू लड्डू यही रुक जा, आप लड्डू ने रख लो. ना ना इसके डायपर ना है. तेरा जीजू नहीं रुक रहा, मैं तो रुक जाऊंगी, मन्ने की दिक्कत है. मैं तो यूं सोई, मैं तो यूं सोई, मन इतनी तेज नींद आ रही है, सिर में और दर्द हो रहा है.
चलो शिकायत करवा दी ना। तो गाइस घर से निकल चुके हैं और रास्ते में हैं और मतलब पूछने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट गांव में एंट्री हो चुकी है ससुराल में। तो लड्डू अपने पापा के पास बैठे और आज मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है, मेरे हो रहा है हेडेक बहुत तेज वाला। तो जाते ही पहले मैं कुछ खाऊंगी और मम्मी, मेरा वहाँ पे खाने का मन ना था मम्मी के पास, फिर आशीष भी बोले जल्दी चलो, तो मम्मी ने पैक करके दे दिया खाना कि जाकर तुझे बनाना पड़ेगा। माँ तो माँ होती है भाई, ना तो मना कभी खाना बनाना पड़े आशीष ताई, मैं तो भूखी भी रह जाऊँ, मैंने टेंशन ना रहती कि मैं कुछ खाऊं या बिल्कुल दूध भी पीकर सो जाऊंगी, मैंने इतने भूख ना लगती। लेकिन आशीष ने रात में 12 बजे भी भूख लग जाए। आशीष का सीन तो ऐसा है कि शादी में जाएंगे, शादी में तो आने के बाद भी खाना खाऊंगे घर पर, चाहे 2 रोटी खानी हो। तो गाइस कमेंट करके बताओ किस किस के हस्बैंड या भाई ऐसा करते हैं जो शादी में से भी आकर खाना खाते हैं। खाता है ना मैं बाहर, रहन दो, बाहर भी अच्छी तरह खा गए ऐसी बात ना है, लेकिन घर पर आकर भी खाना। कल रात में भी 2 बजे भूख लग रही है, बताओ रात ने 2 बजे कहा था पराठे या रोटी। जब तो इतना पेट भर रहा है ना लड्डू अभी बेटी। तो गाइस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो चलते हैं घर पे और रेस्ट करते हैं। मेरी तबीयत जा ली है कती डाउन, मैं गणे दिन तो सोच रही थी मैं गणे दिन हो गए ना मैंने बीमार हो भगवान ने के सुनी कि मेरी मैं बीमार हो गई। अब तो मेरी बिल्कुल भी हालत ना है कि माँ को कुछ भी बोलूँ, कभी सिर ऐसे ठटन हो रहा है, कभी दवाई लेनी पड़ेगी आज तो, एक पेन किलर। तो चलते हैं घर पे और रेस्ट करते हैं। प्यारी के चक्कर में मम्मी का नाक खुआ दियो, नाक पैसा मुड़का भरेगा चिल्ला मम्मी जय ओ बड़ा लड्डू, आशीर्वाद देने दादी का। बाय करो, चलो सो जाएं हम। बाय। हाँ रात में कल भी 2:30 बजे सोया दोबारा उठ के। हैं ये क्या खाया, क्या खाया ये, क्या खाया नच्चे आज। फोन करा मम्मी आपने, इस्तेमाल ना करा आपने, यूज करा फोन करा था हमने, ना करा तेरे पापा ने करा आ लिया था करना ना आज आ गया। मम्मी के फोन में सारी चीज सेटिंग वेटिंग करके डाल दो उसमें, ना मैं डालूंगा मम्मी लॉकर में रखा है सही है। कर दो सारी चीज, आईडी आईडी डाल दो, अपनी आईडी डाल देना इसमें, ठीक है। तो गाइस घर पे आ चुके हैं, मेरी आंखें तो पता लगता होगा मेरी तबीयत कितनी खराब हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आज का जो वो वीडियो चालू हुई ना आ रही हूँ, रुक जाओ जय कर दे लड्डू, जय करना मेरे पापा बोर कर दिया आपने, तो जय करवा करवा के जय करवा करवा के। तो गाइस लड्डू ड्रा मत कर तू, तो गाइस ये है वो पैम्पलेट, जैसे उस टाइम पे ना दिखाओ हो तो जूम करके दिखाओ कि क्या क्या सर्विस है यहाँ पे, क्या क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। अबे कहाँ उड़ गया ये देखो तो मैंने कराया है लेजर, भगवान अभी चुपचाप बैठा था ना, यो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा नहीं, वो बोलना शुरू हो नहीं। तो ये देखो जैसे मैंने आज फर्स्ट सिटिंग ली है तो मतलब स्मूथनेस है, क्योंकि भाई कुछ ट्रीटमेंट होता है अलग से पता लग जाता है। तो मैं देखूंगी कि मेरी ग्रोथ कितने दिनों में, क्योंकि सिटिंग तो लेनी पड़ेगी कि भाई प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट हो। तो मैंने एज अ प्राइस उनसे पूछा था कि अगर कोई पूछे तो भाई कितने का क्या प्राइस बताना है। तो जैसे किसी को हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से अगर फेशियल हेयर ज़्यादा है, या जैसे मेरे फेशियल हेयर ज़्यादा है तो मैं ये ट्रीटमेंट कराऊंगी, तो इतनी नेक का और फेस का पूरे का 3000 बताया था उन्होंने, पूरे फेस का, और फुल बॉडी का बताया था 40000।
जो फुल बॉडी में आपका मतलब फुल बॉडी ही हो गया तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि, और मतलब सिटिंग्स है प्रॉपर और कोई ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में ऐसा कुछ काम है। तो भाई जो जो इंटरेस्टेड है पहुँचो, और मेरे को तो रीजनेबल लगा इतना फेस 3000 में, 3000 का तो हम एक ये लगा लो सूट भी पहन लेते हैं तो उसके हिसाब से तो रीजनेबल लगा मुझे। तो गाइस जल्दी से जाओ और डॉक्टर शिफाली को कॉन्टेक्ट करो, कोई फ्री कंसल्टेंट है जो भी पूछना है पूछ सकते हो। तो ठीक है, और ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, टाटा बाय बाय। And hope is not enough.